सो so, दोस्तों अगर आपके पास भी जनधन खाता है तो सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है जी हाँ दोस्तों हर जनधन खाता में सरकार के द्वारा पैसे भेजे जाएंगे कब तक आपके खाते में कितने पैसे आएंगे उसकी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को पता है कि जनधन खाते में जो पैसा भेजा जा रहा है वो राहत पैकेज के तहत भेजा जा रहा है यानी भारत में जो लॉकडाउन की गई है लॉकडाउन के वजह से सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लॉन्च किया गया

जनधन खाता है या नहीं और जनधन खाता अगर आपका है तो लास्ट का जो आपका अकाउंट नंबर जीरो है या एक है या दो है या तीन है या चार है या जो भी आप कमेंट जरूर करके बताइए और आपका जो खाता है किस ब्रांच में है यानी आपका जो खाता आपके डिस्ट्रिक्ट या जिस भी ब्रांच में है जैसे कि मेरा किशनपुर बैकउंट होता है तो इसी प्रकार से आपका जो भी ब्रांच है वो ब्रांच नेम आप जरूर कमेंट करिए और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक आप करिएगा तभी आपको आगे की इन्फॉर्मेशन पता चल पाएगी और वीडियो को शेयर नहीं करिएगा तो आपको प्रॉपर अपडेट नहीं मिल पाएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए तो दोस्तों सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आपको आना है गूगल पर और आपको सर्च करना है जन धन खाता के एच ए टी ए तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको लिखना है गूगल पे जनधन खाता और जनधन खाता लिखने के बाद आपको सिंपली जो है इसे सर्च कर लेना है जैसे ही आप जनधन खाता सर्च करते हैं यहाँ पर बहुत सारे अपडेट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक अपडेट आपको देखने को मिलेगा सरकारी योजना डॉट कॉम के माध्यम से यहाँ पर अगर आप देखें तो चार घंटा पहले आपको अपडेट देखने को मिलेगा जनधन खाता अपडेट जनधन खाता में कब आएंगे और कितने पैसे आएंगे सरकारी योजना यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन खाता के तहत जो है आपको पैसा दिया जाएगा तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है इसपे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो है प्रॉपर अपडेट मिल जाएगा कि जनधन खाते में कब कितने पैसे आएंगे और किस खाते में कितने कितने पैसे भेजे जाएंगे तो दोस्तों आपको जो है हमने अपने चैनल के माध्यम से पूरा अपडेट दिया था कि Uh, सरकार का जो राहत पैकेज है उसमें क्या क्या लाभ दिया जा रहा है पीएम किसान के लाभार्थी को कैसे पैसे दिए जा रहे हैं राशन कार्ड पे एक एक हजार रुपया दिया जा रहा है पीएम किसान योजना में आपको किस्त दी जा रही है उसके बाद जो है आपको फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जा रहे हैं वो कैसे दिए जा रहे हैं दस हजार रुपये जो आपको दिया जा रहा है वो कैसे दिया जा रहा है एल सिलेंडर के लिए आपके खाते में कितने पैसे कब आएंगे इसकी भी जानकारी हमने दे रखी है ठीक है तो जनधन खाता जैसे आप सर्च करेंगे ऐसा रिजल्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर अपडेट दिया गया जनधन खाता अपडेट जनधन खाता में कब और कितने पैसे आएंगे जनधन खाता में मोदी सरकार ने भेजे इतने पैसे जाने कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से आपको भेजा जा रहा है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज के अंतर्गत दी जा रही है अगर आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या राहत पैकेज के बारे में जानकारी चाहिए सिंपली आप यहाँ पर करके कर जानकारी ले लोगे ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं सरकार ने 20 करोड़ से भी अधिक महिलाओं के जनधन खाते में पैसे भेजने शुरू कर दिए हैं आपको भी पैसा मिल गया होगा नहीं मिला है तो इस तारीख तक आपके खाते में पैसे आ जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं तीन महीने तक सरकार आपको पैसा भेजेगी और यह जो पैसा है चौदह अप्रैल को ये जो लॉकडाउन खत्म होगा तब तक सरकार आपको बहुत सारे लाभ देंगे यहाँ पर लाभ की हम बात नहीं कर रहे हैं बात कर रहे हैं जनधन योजना के अकाउंट में कब तक पैसे आएंगे और कितने पैसे आएंगे तो ये जो है स्कीम है ना इसका नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट जो पैसा भेजने का किया गया वो अनाउंसमेंट किया गया है राहत पैकेज का जब लॉन्च किया गया था उसमें बेनिफिट क्या है पाँच सौ पर मंथ दिए जाएंगे तीन महीने तक इस हिसाब से जितने भी जनधन खाता धारक हैं सभी को पंद्रह पे मिल जाएंगे जनधन खाता धारकों को ठीक है उसके बाद जो जनधन योजना की शुरुआत क्यों की गई है तो जनधन योजना के तहत आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं जीरो बैलेंस का जो अकाउंट होता है वो आप खोल पाते हैं दुर्घटना बीमा आपको एक लाख तक की मिलती है ओवरड्राफ्ट जो है महिलाओं को वो दस हजार रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिली है या नहीं और महिला के नाम पर खाता है या पुरुष के नाम पर आप कॉमेंट जरूर करके बताइएगा ताकि आपको जो है बेहतर लाभ मिल सके उसके बाद जो यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा दा है किस खाते में कब तक पैसे आएंगे तो यहां पर अगर आप आएंगे तो आपको एक टॉपिक देखने को मिला किस जनधन खाते में किस तारीख को पहुंचेंगे पैसे तो यहां पर जो है सरकार के द्वारा एक नया अनाउंसमेंट किया गया है सरकार के द्वारा पैसे भेजने के लिए एक नया तरीका ही अपनाया जा रहा है जिसके तहत आपके खाता का अंतिम संख्या यह बताएगा कि आपके खाते में कब पैसे आएंगे और आप कब निकाल पाओगे दोस्तों अगर आपका जो जनधन का खाता है मान लेते हैं आपका जो खाता संख्या है दो तीन चार पांच वगैरह 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 और लास्ट में आपका जीरो आता है या लास्ट में आपका एक आता है लास्ट में आपका दो आता है या तीन चार पांच छह सात आठ नौ जो भी आता है उस हिसाब से आपको पैसा मिलेंगे अगर आपका खाता का जो अंतिम संख्या वो जीरो से एक के के बीच है तो सरकार द्वारा दो अप्रैल को पैसा भेजा गया है और ये पैसा आप अपने खाते से तीन अप्रैल को निकाल पाओगे अगर आपका खाता संख्या दो या तीन है अंतिम अंक की मैं बात कर रहा हूं खाता का अंतिम अंक अगर आपका दो या तीन है तो आपके खाते में जो सरकार तीन अप्रैल को पैसे भेजेगी और ये पैसा आप चार अप्रैल को निकाल पाएंगे इसी प्रकार से अगर आपका खाता संख्या चार या पांच है लास्ट में तो सरकार सरकार के द्वारा चार अप्रैल को आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा और सात अप्रैल को आप ये पैसा निकाल पाएंगे क्योंकि संडे और सैटरडे और संडे बैंक ऑफ रहता है इस वजह से यहां पर सात अप्रैल को आप पैसा निकाल पाएंगे अगला दोस्तों बात करें अगर आपका खाता संख्या जो है छह या सात है अंतिम का खाता संख्या छह या सात है तो आपके खाते में पांच अप्रैल को सरकार के द्वारा पैसे भेजे जाएंगे और आप जो है आठ अप्रैल को यह पैसा निकाल पाओगे इसी प्रकार से अगर आपका आठ या नौ खाता संख्या अंत में तो छह अप्रैल को आपके खाते में पैसे भेजे जाएंगे और नौ अप्रैल को आप ये पैसा

मई में जो है फिर से पैसा मिलेगा मई में जो है आपको पाँच सौ रुपये फिर से दिए जाएंगे उसके बाद जो है जून में भी आपको पैसा दिए जाएंगे तो जून में भी आपको पाँच सौ रुपये दिए जाएंगे हो सकता है यहाँ पर जून में भी सेम तरीका अपनाया जाए हो सकता है यहाँ पर जो दो जून को पैसा दिया जाए तीन जून को चार जून को पाँच जून को ऐसे करके पैसा हो सकता है दिया जाए लेकिन आपको जो है अगर आपके पास जनधन का खाता है आपके पास जनधन का अगर आपका अकाउंट है तो सरकार के द्वारा आपको पंद्रह निश्चित दिए ही जाएंगे यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है कैसे मिलेगा

उसना की गई थी जिसके तहत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आर्थिक सहायता अन्य सहायता इत्यादि दी जाती है राहत पैकेज की जानकारी आप यहाँ पर क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो लोड हो जाएगा राहत पैकेज और राहत पैकेज के तहत क्या क्या है क्या क्या लाभ आपको दिए जाते हैं वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है पूरे डिटेल में आपको समझाया गया है राहत पैकेज क्या है कैसे लाभ मिलेगा कितना सारा लाभ आपको मिलेगा तो सभी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है पूरे डिटेल में आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जनधन खाता धारक के लिए खाता योजना क्या है जनधन खाता क्या होता है उसकी जानकारी दी गई है जनधन खाते के फायदे के बारे में आपको बताए गए हैं उसके बाद और भी बहुत सारी जानकारी यहां पर आपको दी गई है तो इसको जरूर आप देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर अपडेट और जेनविन अपडेट मिल सके कैसे आपको जाना है तो गूगल पर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं जनधन खाता या फिर आप जो है डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं सरकारी योजना सरकारी योजना भी अगर आप सर्च करते हैं तो आप जो है इस आर्टिकल पर पहुंच जाएंगे सरकारी योजना की जो आधिकारिक लिंक है इसको आप देख सकते हैं सरकारी योजना डॉट कॉम इसी पे आपको जाना है ताकि आपको प्रॉपर अपडेट और जेनविन अपडेट मिल सके तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में यही है और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको सरकारी योजना डॉट कॉम पर दी गई है जिसको आप देख लीजिएगा क्योंकि एल पी जी सिलेंडर जो दिया जा रहा है ना वो बहुत बढ़िया स्कीम है और बहुत सारे बेनिफिट बहुत सारे लोगों को इसका जो है लाभ दिया जा रहा है और वहां पर अगर बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट आप लोगों को दिए जा रहे हैं बिहार में जो कोरोना सहायता के लिए एक एक हजार रुपया दिया जा रहा है उसकी जानकारी दी गई है राहत पैकेज की जानकारी दी गई है पीएम किसान में जो अस्सी लाख किसानों को पैसा भेजा गया उसकी जानकारी दी जा रही है उसके बाद जो है किसान योजना के तहत जो आपको एक लाख तक का जो ऋण मिल सकता है उसकी जानकारी यूपी एग्रीकल्चर की जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट की जानकारी ये सभी जो स्कीम अभी आपको दिए जा रहे हैं लाभ जो दिए जा रहा है सभी की जानकारी आपको दी गई है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका जो जनधन का खाता है उसका लास्ट क्या है लास्ट अंक एक है दो है तीन है या नौ है जो भी है वो आप लिख दीजिए और आपका खाता कौन से ब्रांच में है ब्रांच नेम आप जरूर लिख दीजिएगा ब्रांच नेम लिखना जरूरी है तभी आपको लाभ मिल पाएगा ठीक है तो कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा चैनल को अगर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आईकन नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल कर देना है टेक गुप्ता चैनल पर आपको ऐसे ही ऑफिशियल अपडेट रोजाना मिलते रहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के बाय आप सभी का दिन सुख चैन बंदे मातरम